अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको ये लगाना बताई थी। देखिए, जैसे मैंने आपको बोली थी, ये 6 इंच की स्ट्रिप बनाने के लिए बोली थी मैंने चेन की। इसके अंदर 26 चेनें आई हैं मेरी, तो मैंने इसको यहाँ पर, देखिए मैंने आपको बताई थी कि मैं एडजस्टेबल बेल्ट बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको अटैच किया हुआ है। देखिए, देखिए यहाँ पर ये भी ख़त्म हो जाएगा मेरा। मैंने आपको जैसे बताई थी कि इसको मिडल में रखते हुए हमको, देखिए ऐसे बनाना है। ये जो हमने स्ट्रिप बनाया, इसको मिडल में रखते हुए इसके साथ में ऐसे अटैच करना है। देखिए, लास्ट वाली है, लास्ट वाले को हम ऐसे अटैच करना है। देखिए, अभी देखिए ये जो हमने स्ट्रिप्स लगाई हुई है, देखिए इसको एडजस्टेबल मैंने कैसे बोली थी। देखिए, इसको हम ऐसे करके खींचेंगे और यहाँ पर बांधेंगे, तो देखिए इस तरह का शेप लेगी। जैसे ये हमारे इधर ऐसा शेप आया, ऐसे ये इधर आ जाएगा, ये एडजस्टेबल हो जाएगी। देखिए देखिए कैसे हुई है, इसलिए मैंने ये ऐसी लगाई हूँ। पहले मैंने सिंपल लगाई थी, मगर फिर वो छोटी बड़ी हो रही थी, तो अभी मैंने इस तरीके की लगाई हूँ। तो देखिए, आप खींच के इसको फैला सकते हैं, फिर जब अपने हिसाब से आप इसको ऐसे खींच के बांध सकते हैं। देखिए यहाँ पर, इसके लिए मैंने ऐसी बनाई। अब मैं दूसरी जगह भी इसको अटैच करूँगी। देखिए, मिडल लेंगे हम इसका, आजू बाजू से ऐसे थोड़े बाहर छोड़ देंगे, मिडल लेंगे, और देखिए यहाँ से हम इसको उनके ज़रिए इससे अटैच कर देंगे। पहले हम हमेशा जैसे लूप बनाते हैं वैसे लूप बना के लेंगे। देखिए, लूप जो हम बनाते हैं वो ऐसे बनना चाहिए। देखिए ऐसे या ऐसे, ये सही लूप होता है। उसके बाद में देखिए ये स्टेप हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। देखिए ऐसे, इसको मिडल में रखते हुए हमको करना है। तो देखिए, पहले मैं एक, उसके बाद में जो नेक्स्ट वन है, देखिए ये जो चेन स्टिच है इसमें से हम डालेंगे। देखिए, फिर थर्ड वन में डालेंगे। इस तरीके से हम पूरा कर लेंगे, इसको पूरा अटैच कर लेंगे यहाँ पे। देखिए इसे, देखिए इस तरह से हम ये जो पूरी हमारी जो हमने स्ट्रिप बनाए थे उसको इससे अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी लास्ट थी यहाँ पर कॉर्नर पे। फिर हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे खींच लेंगे, यहाँ से ऊन कट कर देंगे। अभी देखिए, ये हमारी यहाँ पर अटैच हुई है, ये हमारी यहाँ पर अटैच हुई है। अभी हमको अगर इसको बनाना है, पहनना है, तो देखिए हम इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे। ये देखिए, फिर यहाँ पर हम अपने हिसाब से जितनी चाहिए उतनी हम यहाँ पर बांध सकते हैं, फिर हम अपने कान के पीछे डाल सकते हैं। देखिए, दोनों जगह से एडजस्टेबल स्ट्रिप्स लगाए मैंने। देखिए इस तरीके से,
आप अपने हिसाब से इसको करके पहन सकते हैं। अभी यहाँ तक हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, फैब्रिक लगाना है हमको, तो फैब्रिक की कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए अभी इसमें हम इधर अंदर से पूरा फैब्रिक लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हम ये मास्क बनाते हैं, ये हमारे लिए इतना सेफ नहीं है। ऐसे ये डिज़ाइनर जैसे लगता अच्छा है, इसमें आप अलग अलग कलर की लाइनिंग्स भी यूज़ कर सकते हो जैसे चाहे वैसे, लेकिन ये प्रोटेक्शन फ्री नहीं है। तो हमको क्या करने का है, इसके लिए ये फैब्रिक की मैं कटिंग करूँगी और इसमें इसको अटैच करूँगी। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।